हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए डिज़ाइनर बाजू लेकर आए हैं। सबसे पहले हम आपको बाजू की कटिंग करना बता रहे हैं। पहले हमें यहाँ पे बैक आर्म होल्स का मेजरमेंट लेना है हाफ इंच फैब्रिक छोड़ने के बाद। तो ये मेजरमेंट हमारा 9.5 इंच आ रहा है। और इसके बाद जो हमने इस कुर्ती में एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड की है वो हमने यहाँ पे 1.5 इंच फैब्रिक ऐड की है। तो हमारी जो आर्म होल्स की गोलाई है वो हमारी 8 इंच आ रही है सिलाई कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि 1.5 इंच फैब्रिक ये यहाँ से एक्स्ट्रा है और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगी। तो यहाँ पे हमने बाजू के लिए फैब्रिक ली है और इसे हमने इस तरह से फुल लेयर में फोल्ड किया है, आप देख सकती हैं। और ये कपड़े की खुली साइड है ये वाली, और ये बंद साइड है। सबसे पहले हम आपको इसकी लेंथ बता रहे हैं। बाजू हमारी 18 इंच की तैयार होगी, तो लेंथ हम बाजू की 20 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 20 इंच पे मार्क करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करेंगे। हमारी बाजू 18 इंच की तैयार होगी तो 2 इंच फैब्रिक हमने सिलाई के लिए और फोल्ड करने के लिए ऐड की है। एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, 18 इंच हमारी बाजू तैयार हो गई, 20 इंच हमने बाजू की लेंथ ली है। लेंथ लेने के बाद अब हम बाजू की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो बंद साइड की तरफ हमें इंची टेप को रखना है और 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। जब भी आप बड़े साइज की बाजू बनाएं तो ये मार्क आप 3 इंच पर ही करें। बाजू छोटी हो, मीडियम साइज की हो या फुल साइज़ की, ये मार्क हम 3 इंच पर ही करेंगे बन साइड से। और खुली साइड की तरफ हम बाजू की लेंथ में 3.5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। और खुली साइड वाले मार्क लेंथ पर डिपेंड होते हैं, फुल साइज़ की लेंथ में हम 3.5 इंच पे ही मार्क करेंगे। और इसके बाद हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो मार्क हमने किए हैं ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद अब हमें आर्म होल्स का फिक्स मेजरमेंट लेना है, वो हमारा 8 इंच है। तो अब हम बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे और 8 इंच पर हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे आप 8 इंच पे मार्क करें। और जो ये साइड की फैब्रिक है खुली तरफ की, ये हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है यहाँ से और हम तिरछी लाइन देखेंगे, इसकी लेंथ 5 इंच है। तो 5 का सेंटर हुआ 2.5 इंच। 2.5 इंच पे हमें ऐसे मार्क करना है 1/2 इंच। इस लाइन से 1/2 इंच की दूरी पर मार्क करके गोलाई करेंगे। ये फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद हम मोहरी रखेंगे। तो मोहरी हमारी 4.5 इंच है। तो यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। और इसके बाद 1.5 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। जो मार्क हमने किए हैं ऐसे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम सिलाई वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसके बाद जो मार्जिन वाली लाइन है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह हमने बाजू की ड्राफ्टिंग की है। अब हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें बैक साइड की बाजू की कटिंग करनी है और इसके बाद हम इसे साइड से कट करेंगे। और फिर हमें 2 पीस ऊपर की तरफ करने हैं और फ्रंट साइड की बाजू की हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो हमने ये कटिंग की है ये सिंपल बाजू की तरह कटिंग की है। इसके बाद अब हम ये दोनों बाजू सेंटर से कट करेंगे, क्योंकि हम ये बाजू डिज़ाइनर बना रहे हैं तो इसलिए हम इन्हें सेंटर से कट कर रहे हैं। दोनों बाजू हमने सेंटर से कट की हैं। तो ये 4 पीस हो गए हैं कटिंग करने के बाद, और अब हम इनमें डिज़ाइन लगाएंगे। तो डिज़ाइन हम सेंटर में सिलेंगे जहाँ से हमने ये कट किए हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे डिज़ाइन सिलने हैं। और यहाँ पे हम वाइट कलर का इस बाजू में डिज़ाइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने वाइट फैब्रिक ली है, वाइट फैब्रिक के हमने 2 पीस लिए हैं और
चौड़ाई हमने इसकी 6 इंच ली है, जो हमने ये पीस लिए हैं हमने 6 इंच चौड़ाई ली है, ये 2 पीस हैं। और लेंथ हमने बाजू के बराबर रखी है 20 इंच। और सबसे पहले अब हम ये पीस सिलेंगे। बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम आपको इन्हें सिलना बताएंगे। तो सबसे पहले हम एक बाजू तैयार करना बताएंगे आपको। तो यहाँ पे हमने ये बाजू ली है, ये 2 पीस है, हमने इन्हें सेंटर से कट किया था तो बाजू के 2 पीस हो गए थे। अब हमें इस पीस को ऐसे सीधी तरफ रखना है और जहाँ से हमने कटिंग की थी यहाँ पे हम ये वाइट कलर का पीस रखेंगे बैक साइड की तरफ से। प्रिंटेड फैब्रिक वाले पीस को हमने सीधी तरफ से रखा है और वाइट फैब्रिक वाले पीस को हमने उल्टी तरफ से रखा है और यहाँ पे हमने इसे सिल लिया है। इसके बाद अब हम इस पीस को ऐसे सीधा करेंगे। अब हमें प्रिंटेड फैब्रिक वाला पीस लेना है और इस पीस को अब हमें उल्टी तरफ से रखना है, बैक साइड की तरफ से रखेंगे इस तरह से। और आप यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा लें। अब यहाँ पे आपको ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और इस पीस को हमने इस तरह से सिल लिया है। इसके बाद जो वाइट फैब्रिक है ये, इसके सेंटर पे हम मार्क करेंगे। तो वाइट फैब्रिक वाले सेंटर पे हमें मार्क करना है। तो यहाँ पे आप मार्क करें। मार्क करने के बाद अब हमें ऐसे प्लेट्स भरनी हैं। हमें इसमें 2 प्लेट्स भरनी हैं। पहली प्लेट हमने इधर की तरफ से भरी है और दूसरी प्लेट्स हम इधर की तरफ से भर रहे हैं। ऐसे हमें 2 प्लेट्स भरनी हैं। और पहले आप इसे पिनअप कर लें यहाँ से। पिनअप करने के बाद अब आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें जहाँ पे हमने इसे पिनअप किया है। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली, आप देख सकती हैं। और इसके बाद अब आप इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड कर लें। तो आपको इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करना है। तो हमने 2 इंच फैब्रिक ऐड की थी, पहला फोल्ड हम 1/2 इंच पे और दूसरा फोल्ड हम 1 इंच पे करेंगे। इस तरह से हमें इसे 1.5 इंच फैब्रिक को फोल्ड करना है बॉटम पार्ट से। तो बॉटम पार्ट से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। तुरपाई करने के बाद बॉटम पार्ट से ये सिलाई आप निकाल दें। और इसके बाद 3 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पर फैंसी बटन लगाने हैं। ऐसे आप बटन लगा लें। तो मैंने यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा ली है ऐसे, और यहाँ पे आप बटन लगा लें। ध्यान रखें 3 इंच की दूरी पर हमें यहाँ पे फैंसी बटन लगाने हैं। और बाजू हमारी तैयार हो गई है। आप इसे ऐसे फोल्ड करें। फोल्ड करने के बाद अब आपको कुर्ती लेनी है। तो आप कुर्ती लें और आर्म होल्स का जो मेजरमेंट है वो हमने पहले ही बताया था 8 इंच है। आप दोबारा से इसे नाप लें, सिलाई होने के बाद आप दोबारा से देखें इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है। तब तो 8 इंच था, तो यहाँ पे जो इसका मेजरमेंट है वो 8.5 इंच है। तो इसी तरह से हमें अब बाजू का मेजरमेंट लेना है। तो ऐसे आप बाजू का मेजरमेंट लें तो आप यहाँ पे 8.5 इंच में मार्क करें इस तरह से और लाइन ड्रॉ करें। मोहरी का मेजरमेंट वही रहेगा जो मार्क हमने पहले किया था। और सिलाई लगा लें। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बाजू को ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अब हमें ये कुर्ती लेनी है। कुर्ती को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है और जो फ्रंट साइड है आर्म होल्स की ऊपर की तरफ है। ऐसे ही हमें आर्म होल्स की बाजू की फ्रंट साइड देखनी है। फ्रंट साइड की तरफ ही होनी चाहिए। बाजू को हमें इस तरह से रखना है ऐसे। और अब हमें राउंड में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और बाजू को हमने सिल लिया है।
तो इस तरह से हमने आपको बाजू की कटिंग करना और सिलाई करना बताया है। फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।